आई होप दैट दिस शिक्षा मॉडल दोस्तों में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज आपकी डेट है 25 सितंबर 2020 और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जो वीजा अपडेट हमारे पास आई है वो है आपकी जापान के बारे में, ऑस्ट्रिया के बारे में, क्रोएशिया और नीदरलैंड्स के बारे में। तो गाइस देखते रहेगा ये वाला वीडियो। सीरीज में जो हमने पुरानी वीडियोज है वो आपके आई सेक्शन में आपको पता चल जाएगा, जिसके अंदर हमने डिटेल वीडियो आपकी बनाई है शेंगेन कंट्रीज को लेकर, जिन कंट्रीज में अभी तक वीजा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो उन कंट्रीज की भी वीडियोस आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर थम्स अप करें और चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, द डॉक्यूमेंट इज अपडेटेड इन अकॉर्डिंग विद द ट्रैवल एडवाइजरी अवेलेबल टिल डेट। ओइंग टू द करंट डायनेमिक एनवायरनमेंट, पैसेंजर्स आर एडवाइज्ड टू चेक ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ द रिलेवेंट अथॉरिटीज एंड लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। फॉर ऑल अदर कंट्रीज प्लीज चेक द गवर्नमेंट्स एम्बेसीज ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो अगर आप कभी भी किसी भी कंट्री में आप वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं या आप किसी भी कंट्री का ट्रैवल करें तो गाइस प्लीज यू नीड टू चेक अप द एम्बेसी वेबसाइट बिफोर यू अप्लाई, बिकॉज एज इट्स अ डायनेमिक एनवायरनमेंट थिंग्स आर चेंजिंग डेली। सो आई होप आपको इस बारे में समझ आ गया हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं जापान के बारे में। जापान से क्या अपडेट आई है। इफेक्टिव फ्रॉम 16 सितंबर द कस्टमर्स कैन सबमिट द वीजा एप्लीकेशन सेंटर। तो दोस्तों 16 सितंबर से जापान ने अपनी वीजा एप्लीकेशन सेंटर खोल दी है, जो कि आपकी नई दिल्ली, जालंधर, चंडीगढ़ में, बट यू नीड टू बी बुकिंग योर प्रायर अपॉइंटमेंट फॉर दैट। अच्छा, ये किस किस कैटेगरी में आप जापान का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है ये कि अगर आप स्पाउस हैं या फिर चाइल्ड हैं किसी जापानी सिटीजन के, अगर आप स्पाउस या चाइल्ड हैं किसी जापानी परमानेंट रेजिडेंट के, अगर बाय चांस आपका फैमिली सेपरेट हो गया, फिर भी उस कंडीशन में आप अपना जापान का वीजा अप्लाई कर सकते हैं और वीजा मिलने के बाद आप जापान ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको किसी मेडिकल सर्विसेज के लिए आप जा रहे हैं, उसके अंदर रिक्वायर्ड है कि आपको COE होना आपके पास जरूरी है। दोस्तों COE का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जो जापान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इशू करती है। तो जो भी आपको वहां से इनवाइट कर रहे हैं, दे नीड टू सेंड यू द सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी लेटर, और उस लेटर के साथ आप अपनी वीजा एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अच्छा, ये COE लेटर आप चाहे तो अपना फोटोकॉपी में भी दे सकते हैं, क्योंकि वहां से वो उसको ओरिजिनल निकाल कर आपको स्कैन करके मेल कर देंगे, देन यू कैन गिव अ प्रिंट आउट फॉर दैट एंड आपका जापान का वीजा आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई इंस्ट्रक्टर हैं या फिर प्रोफेसर हैं किसी जापानीज यूनिवर्सिटी में, किसी जापानीज कॉलेज में, तो उस कॉलेज को आपको COE जो कि सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो भेजना पड़ेगा, सो दैट यू कैन गेट द जापानीज वीजा। उसके अलावा किस किस कैटेगरी में वीजा खुले हुए हैं, टेम्पररी वीजा, अगर दोस्तों अगर कोई आपका रिलेटिव है जिसका एक्सीडेंट हो गया या फिर ही गॉट इल, जो कि बीमार है, जो कि जापान में रहता है, उस कंडीशन में आप अपना जापान का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई रिलेटिव या कोई आपका ब्लड रिलेटिव ना हो गए, कोई आपका जो कि जापान में रहता है एंड और अगर कोई एक्सपायर कर गया आपका कोई रिलेटिव, तो आप जा सकते हैं। और या फिर आप मेडिकल रीजंस के बेसिस पर भी अपना जापान का वीजा अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपको वहां पर अपना इलाज कराना है और उसके साथ साथ आप अपने एक डिपेंडेंट को भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो ये थी हमारे पास इन्फॉर्मेशन जापान से। उसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया के बारे में। दोस्तों ऑस्ट्रिया से जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है वो ये है, जो साउथ मुंबई वाला सेंटर था वो खुल चुका है। वो हर एक वेंसडे को 10 बजे से 2 बजे तक आप अपना ऑस्ट्रिया का लॉन्ग टर्म कैटेगरी के अंदर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया ने अपने स्टूडेंट कैटेगरी वीजाज भी खोल दिए हैं ऑस्ट्रिया के लिए, स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, जिसके अंदर आप एक फैमिली मेंबर जो कि आपको ऑस्ट्रिया में रहता है, अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव है या कोई फैमिली रीयूनियन है, तो भी आप अपना ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, या आपने वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना है तो भी आप अपना ऑस्ट्रिया का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और ये सेंटर आपके बेंगलोर, कोची, चेन्नई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली और साउथ मुंबई में ऑपरेशनल हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे क्रोएशिया के वीजा के बारे में। क्रोएशिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर रीओपन हो चुके हैं। वेरी गुड गाइस, दिस इज रियली अ वेरी वेरी गुड न्यूज। क्रोएशिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन साउथ मुंबई हैव रिज्यूम एक्सेप्टिंग द वीजा। अब कौन कौन से वीजा एक्सेप्ट करने शुरू करें, फर्स्ट कैटेगरी है इसके अंदर वर्क परमिट्स की, दूसरे इसके अंदर कैटेगरी आपकी अर्जेंट ट्रैवल की, अगर किसी को अर्जेंटली किसी बिजनेस मीटिंग के लिए या फिर उनको वो खाना पड़ेगा कि उनके लिए जाना क्यों जरूरी है, या कोई आपका फैमिली मेंबर है क्रोएशिया में, तो भी आप उसके अंदर अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। बट बिफोर यू अप्लाई यू नीड टू बुक योर अपॉइंटमेंट। तो ये सेंटर्स आपके कोलकाता के अंदर, दिल्ली के अंदर, बेंगलोर के अंदर, चेन्नई के अंदर और हैदराबाद में ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपकी क्रोएशिया के वीजा के बारे में। फिर बात करेंगे दोस्तों नीदरलैंड्स के बारे में। तो नीदरलैंड्स दोस्तों, अगर आप नीदरलैंड्स का वीजा अप्लाई करें, तो पहली तो बात ये कि आपको 2 यूरो की एक जो फीस है, जो कोविड फीस, वो आपको ज्यादा देने होंगे अपने
इसके वीजा के लिए, जो कि 31 दिसंबर 2020 तक आपका VFS आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। 2 यूरो हो गया आपका करीबन 150 रुपए के करीबन। उसके अलावा नीदरलैंड ने अपनी ऑलरेडी अपनी सर्विसेज मुंबई के अंदर चालू कर दिए हैं। आप नीदरलैंड का वीजा अपना मंडे वेंसडे फ्राइडे को 10 से 2 बजे के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपका जो सीमैन वीजा है, जो ब्लू कार्पेट वीजा जिसे कहते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, अगर आपके कोई गर्लफ्रेंड है जो कि वहां पर नीदरलैंड में बेस्ड है, तो भी आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा वर्क वीजाज भी खुल गए हैं। तो दोस्तों, अभी तक की ये जानकारी पे जितनी भी मोस्टली जो शेंगेन कंट्रीज है वहां पे आपके एक तो वर्क वीजाज, स्टूडेंट वीजाज या फैमिली वीजाज, या फिर अगर कोई कपल वीजा है, अगर कोई आपका वहां पर रहता है तो उस कैटेगरी में आपके वीजाज खुल चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप मुझे डायरेक्टली मेल डाल सकते हैं contact@dvsoffice.gmail.com पे, एंड वी विल लव टू हेल्प यू। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं और फिर से लौटेंगे कुछ और वीजा अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, एक्सक्यूज मी गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करना, क्योंकि जो अगली वीजा अपडेट है उसके उस तक आपके पास सीधी आ सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। शबक है। आई होप दैट दिस शिक्षा मॉडल दोस्त नाउ ट्रेवल अभी जो अभी तक दोस्तों सब्सक्राइबर हुए थे देंगे वो है एक